बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशा नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख हिंदी ज़ुबान से निकलती है। इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल हिंदू मज़हब में किया जाता है। जिन्स है लड़की, यानी इस नाम का शुमार लड़कियों के नामों में किया जाता है। नेशा के उर्दू मायनी है खसूसी या ख़ास, जबकि इंग्लिश मीनिंग है स्पेशल। नेशा नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सर फ़हरिस्त है इंडिया, नंबर दो पर है यूएई और नंबर तीन पर है बांग्लादेश। जबकि इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है इतवार और मंगल। नंबर सात को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है और तांबा को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली धातों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है सुरख, जंगनुमा और हल्का सबस। पखराज नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के बारे में यह समझा जाता है कि ये हालात का मुकाबला करना चाहते हैं, चाहे जितने लोग भी मुखालिफ हों, और ये अपनी बात पर हमेशा कायम रहना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपका पूरा नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।